सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के साथ ब्लैकमेलरों ने किए थे दो स्टिंग। डीलिंग होने के कारण दब गया वीडियो। कई सफेद चेहरों के नाम भी हो सकते हैं उजागर। ब्लैकमेलिंग से जुड़े शिवपुरी के पत्रकार। शहर के प्रसिद्ध हॉस्पिटल सिद्धिविनायक का बीते माह एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में दो लोग भ्रूण हत्या को लेकर बातचीत कर रहे थे। घटना के बाद वीडियो सोशल साइट पर वायरल हुआ और प्रशासन ने आनन फानन में कार्रवाई कर हॉस्पिटल के संचालन पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि जिन व्यक्तियों ने सिद्धिविनायक हॉस्पिटल का भ्रूण हत्या की बातचीत का वीडियो बनाया था, उन्होंने पहले वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना चाहा। ब्लैकमेलिंग मामले को लेकर हॉस्पिटल की तरफ से एक आवेदन कोतवाली में भी दिया गया, लेकिन इस आवेदन को पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। जब हॉस्पिटल के संचालकों ने ब्लैकमेलरों को मना कर दिया तो वीडियो सोशल साइट पर डाल दिया गया। इस पर प्रशासन चेता और आनंद फानन में हॉस्पिटल के संचालन पर रोक लगा दी। मामले को लेकर FIR भी दर्ज की गई, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। सूत्रों की माने तो जिन लोगों ने ब्लैकमेलिंग के वीडियो बनाए थे, उन्होंने दो और वीडियो बनाए जिसमें उन्होंने डीलिंग कर मामले को रफा दफा कर दिया, लेकिन सिद्धिविनायक से डीलिंग ना होने के कारण उनका वीडियो सोशल मीडिया साइट पर डाल दिया गया। अगर इनकी भी डीलिंग हो जाती तो ये मामला उठता ही नहीं। आपको बता दें कि ब्लैकमेलिंग का वीडियो वायरल बनाने वाले नोएडा के दंपति शिवपुरी शहर में आए और बाईपास स्थित एक होटल में रुके। यहीं से ब्लैकमेलिंग की रणनीति बनाई। सूत्रों की माने तो ब्लैकमेलरों ने सबसे पहले एक स्त्री रोग विशेषज्ञ का भ्रूण निकलवाने को लेकर बातचीत की और इसका वीडियो बना लिया। इसी तरह हॉस्पिटल के डॉक्टर भी वीडियो बनाया और उनसे भी डीलिंग की बात की गई। यहाँ उनका सौदा तय हो गया। एक प्राइवेट हॉस्पिटल का संचालन देखने वाले व्यक्ति ने ब्लैकमेलर से इनकी डीलिंग करवाई। सूत्रों की माने तो ब्लैकमेलरों ने 5 लाख रुपए मांगे, लेकिन 2 लाख रुपए में सौदा तय हो गया। इसके बाद ब्लैकमेलरों ने सिद्धिविनायक का वीडियो बनाया। इस घटना में स्थानीय पत्रकार भी शामिल थे। ये पत्रकार सबसे पहले एक युवती के पास गए और उससे स्टिंग करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद दिल्ली के ब्लैकमेलर हॉस्पिटल गए जहां भ्रूण हत्या को लेकर बातचीत का वीडियो बना लिया। पर इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। हॉस्पिटल के संचालकों से 5 लाख रुपए की डिमांड की गई, लेकिन जब रुपए देने से मना कर दिया तो उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। फिर भी ब्लैकमेलिंग का खेल जारी रहा और डिमांड लोकल के तथाकथित पत्रकार के द्वारा की जाती रही और वो डिमांड करीबन 5 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए तक पहुंच गई। इसके बाद फिर शुरू हुआ प्रशासन पर दबाव बनाने का खेल और अस्पताल पर OPD और IPD बंद कराने का काम किया गया। ब्लैकमेल करने आए दंपति के गिरफ्तार होने के बाद इस मामले में शामिल कई लोगों के फरार होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब इस पूरे मामले में एक पत्रकार ध्रुव शर्मा का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिद्धिविनायक अस्पताल और स्ट्रिंग ऑपरेशन की बात करते नजर आ रहे हैं। बाहर से आए कुछ पत्रकारों की भी बात कर रहे हैं। हेलो भैया, राम राम। राम राम, काय कहाँ है? मैं घर पे। क्या भाई साहब, कहाँ है? भाई साहब घर पे। तो फोन नहीं उठा रहे यार, वे सो तो नहीं रहे होंगे? यार शाम पता नहीं है भैया। तुमने तो पता करके बता कौन है वो वहाँ पे उनके? कोई नहीं है भैया, ही है। नहीं कोई तो गार्ड मार्ड नहीं? गार्ड तो बाहर बैठ रहा था, नवा है सबको, आपका नंबर नहीं है नवा आ गया सबको। हाँ अच्छा, फिर कैसे पता चलेगा? अर्जेंट काम है। अर्जेंट ही काम था यार, वो क्या है कि वो रिसीव नहीं किया, उन्होंने फोन दो बार मैंने लगा दिया। तुमने वहाँ पे घर पे कोठी पे पता करा कौन है वो नीचे? भाई साहब यंगे भी कि नहीं है वहाँ? नहीं भाई साहब तो घर पे ही होंगे। नहीं कहीं गए तो नहीं है? नहीं कहीं गए नहीं होंगे। अच्छा हाँ, कोई वैसी बात तो नहीं है? नहीं नहीं वैसे कुछ नहीं है, वो तो ये कार वो थोड़ा सा ये बाहर से भैया आए थे हॉस्पिटल के संबंध में थी बात। अच्छा अच्छा हाँ, तो वो क्या है कि पत्रकार ये बाहर से आए। अच्छा अच्छा, तो उन पर क्या कुछ स्टिंग वगैरह उनका हॉस्पिटल का? हाँ आप जाएगा भाई साहब पर बाद में देखेंगे, को वो बताई नहीं है। तो वो क्या मेरी अभी जानकारी में आई तो मैंने कहीं इनसे कही, मैंने कि रुक जाओ मनी में भाई साहब से बात करेंगे। अच्छा अपने हॉस्पिटल के लिए? हाँ जी, राय की थी कुछ। अच्छा अच्छा, चलो मैं लगा रहा हूँ, उन्हें लगा उठाने दो। आओ तुमने वो यार तुमने कह दी कि मैं बात कर। आओ 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 ठीक हाँ ठीक।
वहीं मामले में पुलिस ने ब्लैकमेल करने वाले आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी तक उनकी जानकारी नहीं दी जा रही है। यहां आपको बता दें कि इस दंपति पर पहले से कई ब्लैकमेलिंग के मामले दर्ज हैं। ये लोग यहीं काम करते हैं और कई हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को अपना निशाना बनाते हैं और पैसे लेते हैं। हालांकि अब पुलिस रिमांड पर ये लोग हैं और कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। कुछ ही दिन में पूरा मामला सभी के सामने होगा।